हेलो नमस्कार। एक और प्रश्न के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। 2 की पावर 27 की पावर 3 2/3 गुणित 8 81 की पावर 3/4 भागित 3 की पावर -5। चलो अब 27 की पावर 3 मतलब 27 काय का घन होता है, 27 काय का घन है, तो 3 की घात 3 करेंगे यहाँ, गुणित 2/3 गुणित यहाँ 81 है तो 81 लिखेंगे, 81 नहीं लिखेंगे, 81 को तोड़ेंगे तो अपन यदि 3 की घात अपन 4 करेंगे, मतलब 3 × 3 × 3 कितना होता है 27, और 3 × 3 × 3 × 3 चार बार करेंगे तो कितना होता है 81 होता है सेम। तो यहाँ क्या कर देंगे अपन 3 की पावर 4 × 3/4 भागित 3 की पावर -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 तिरका 9, 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, गुणित 3 4 से 4 कट जाएगा, 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 मतलब 27 भागित 3 की पावर -5 है तो 3 की पावर -5 मतलब ये हो जाता है 3 की पावर 5 का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये होगा कि यदि ये माइनस में है तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 5, ठीक है। और यहाँ पे भी अपन ना नहीं करते तो 3 और 2 जुड़ जाता, 5 हो जाता, कट जाता, हो गया है तो भी वैसे ही कर सकते हैं, ये 3 की पावर 5 हो जाएगा भाग 1/3 की पावर 5 मतलब ये गुणा में है, ये भाग में है, 3 की पावर 5 तो क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 5/1/5 आएगा, मतलब 1/3 की पावर 5 जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई गुणा में चला जाएगा, तो गुणा में जाएगा तो 3 की पावर 5 × 3 की पावर 5 मतलब 3 की पावर 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।